हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है ना, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो का रिक्वेस्ट आया था कि दी प्लीज मेकअप से पहले स्किन केयर आप कैसे करते हो, इस पर जरूर वीडियो बनाएगा। तो आज की वीडियो इसी बारे में है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो कंटेक्ट जरूर देखेगा। तो चलिए देख लेते हैं। और आप लोगों ने ये भी पूछा था कि राइट नाउ मैं कौन सा फेस वॉश यूज कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे फेस पर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक्ने के स्पॉट भी रह गए थे। और उस बीच में मुझे डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया था, ये था रिमजा फेस वॉश। तो मैं ये वाला फेस वॉश यूज कर रही थी। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा शायद, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं ये वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ। तो चलिए इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से प्लास्टिक और ट्रांसपेरेंट बोतल में आपको ये मिल जाती है। ये फॉर्मिंग फेस वॉश आता है, तो कैप भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। आसानी से आप इसे अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हो। और ये ग्रीन कलर का फेस वॉश है, जैसा कि आपको इसके अंदर ये देखिए ग्रीन कलर का लिक्विड नजर आ रहा होगा। तो आपने इसके एक से दो पंप लेने हैं और अपने फेस पर इसे जेंटली मसाज करते हुए अच्छे से लगा लेना है। दिन में दो बार आपने इस फेस वॉश का इस्तेमाल करना है, तभी आपको एक्ने और पिंपल से छुटकारा मिलेगा। और जैसा कि इसमें स्लिसलाइलिक एसिड है, जिंक पीसी है, जो ये जो स्लिसलाइलिक एसिड होता है ना दोस्तों, ये एक्ने और पिंपल को निकलने से रोकता है। एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम आपके फेस पर नहीं होने देता है। और ये फॉर्मिंग फेस वॉश है, ये है रिंजा फॉर्मिंग फेस वॉश एनरिच्ड विद स्लिसलाइलिक एसिड, जिंक पीसीए एंड नेचुरल ऑयल्स के साथ बना है। फॉर्मिंग फेस वॉश फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। और 100 ml की क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाएगी। ग्रीन कलर का फेस वॉश है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यस, और मैं आपको बता दूं, जिसमें स्लिसलाइलिक एसिड होता है ना, वो प्रोडक्ट स्किन के लिए बेहद ज्यादा अच्छे होते हैं, चाहे वो सीरम हो या फेस वॉश हो। फॉर्मिंग फेस वॉश तो हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए, खास तौर से समर में फॉर्मिंग फेस वॉश अच्छा रहता है एक्ने प्रॉन स्किन के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं इसे पिछले 3 महीने से यूज कर रही हूँ, और आपने देखा भी होगा कि मेरे अब एक्ने और पिंपल की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो गई है, काफी क्लीन हो गया है फेस, आप देख सकते हो। ये देखिए, और बस ये हल्के से डार्क स्पॉट रह गए हैं, इसके लिए मैं दवाई वगैरह भी लगा रही हूँ, तो ये भी चले जाएंगे कुछ दिनों में। तो सुबह में सबसे पहले मैं हमेशा फेस वॉश करती हूँ, और मेकअप से पहले भी मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। इस फेस वॉश को आप दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, और जिनकी ऑयली स्किन है तो उन्हें तो 3 बार 2 बार फेस वॉश करना ही चाहिए। और ये देखिए, ये इस तरीके से फॉर्मिंग फेस वॉश है। ये देखिए, सिर्फ इतना सा पंप बहुत होता है। तो मेकअप से पहले मैं अगर बात करूं तो फेस वॉश जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी भी गंदगी होती है चेहरे पे, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, डर्ट होती है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए आपके फेस से, और आपका मेकअप जो है वो अच्छा दिखे, और आपकी स्किन वैसे भी नेचुरली ग्लो करे। तो इसके लिए फेस वॉश करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। तो स्किन केयर रूटीन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फेस वॉश का। फेस वॉश मैं कर चुकी हूँ, स्किन में बहुत अच्छा ग्लो भी देता है ये फेस वॉश, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखिए, और स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है, साथ ही आपके एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। सेकंड स्टेप में मैं करती हूँ यूज स्क्रब। स्क्रब से जितने आपके ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं अच्छे से, डर्ट इम्प्योरिटीज भी रिमूव होती है, साथ ही अच्छे से ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन में एक अच्छा ग्लो देता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है। तो स्क्रबिंग करना भी बेहद ज्यादा जरूरी होता है। स्क्रब आपने हर रोज नहीं करना होता है, स्क्रब आप वीक में सिर्फ 2 या 3 बार ही कर सकते हो, और 2 बार काफी होता है। वीक में अगर आप स्क्रब 2 बार करते हैं तो इससे आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो भी आता है, और साथ ही आपकी स्किन अच्छी दिखती है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि स्क्रब करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स को रिमूव करने के लिए भी स्क्रबिंग करना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो मैं अभी यूज कर रही हूँ मैकैफीन का ये स्क्रब है, नेट एंड रो कॉफी फेस स्क्रब है, और ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, 20 ग्राम की क्वांटिटी है। वैसे इसमें आपको बड़ा पैक भी मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अभी कुछ दिनों से मैं इसी स्क्रब को यूज कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा है ये। बिना इसके तो निकलता ही नहीं है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ड्राई स्किन पर स्क्रब ना करें, हमेशा गीले फेस पर ही, मतलब वेट फेस पर ही आपको स्क्रब करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपने फेस पर स्क्रब भी कर लिया है, बहुत अच्छे से इसने डर्ट और इम्प्योरिटीज को क्लीन किया है, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है। जितने भी ब्लैकहेड व्हाइटहेड से ना, इसने अच्छे से रिमूव किया है। और स्क्रब तो बेहद ज्यादा जरूरी होता है, इससे आपकी स्किन जो है अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है,
और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब हम अपने फेस पर फाउंडेशन लगाते हैं, मेकअप करते हैं, तो अक्सर मेकअप ना केकी होने लग जाता है, फटाफटा से दिखता है। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि आपकी स्किन पर जितनी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं और हम स्क्रब नहीं करते हैं, डायरेक्टली मेकअप कर लेते हैं। इस वजह से मेकअप जो है या फाउंडेशन जो है वो केकी नजर आता है या फटाफट सा हो जाता है ना, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपने स्क्रब नहीं किया होता अच्छे से। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है लिप स्क्रब की। लिप स्क्रब वैसे तो आप DIY भी यूज कर सकते हो, कोई भी होम रेमेडी यूज कर सकते हो लिप स्क्रब के लिए। तो मैं यहाँ पर बीला वीटा की ही निको लिप्स बीट रूट आप देख सकते हो, ये स्क्रब है और ये बहुत अच्छे से आपके लिप्स को ब्राइटन अप करता है, एक्सफोलिएट करता है, मॉइस्चराइज करता है, ड्राई नहीं होने देता है आपके लिप्स को। और जितनी त्वचा जो डेड स्किन जमा हो जाती है ना, अक्सर लिपस्टिक जब हम लगाते हैं, लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं, तो पपड़ी सी जमा होने लग जाती है। तो जब आप लिप स्क्रब यूज करते हैं ना, तो वो पपड़ी सी नहीं जमा होगी, तो जो पपड़ी सी जमा हो जाती है ना वो नहीं जमा होती है। आपकी लिपस्टिक जो है, अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लग जाती है, बहुत ही स्मूथ दिखते हैं आपके लिप्स, और इसलिए लिप स्क्रब बेहद ज्यादा जरूरी होता है यूज करना। तो मैं सिर्फ इतना सा यूज करने वाली हूं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने लिप स्क्रब भी कर लिया है, अच्छे से लिप्स को एक्सफोलिएट कर लिया है। काफी लोग बोलते हैं कि स्क्रब के बाद ना हमारी स्किन पर रेडनेस आ जाती है, थोड़े लाल हो जाती है त्वचा, तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। आपने क्या करना है, एक आइस क्यूब ले लीजिए, उसे अपने पूरे फेस पर, नेक पर अच्छे से लगा लीजिए, आपकी रेडनेस की प्रॉब्लम भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी खुद ब खुद। काफी बार होता है कि रेड हो जाती है, तो इस तरीके से आप एक आइस क्यूब लगा लीजिए। और आइस क्यूब लगाने से क्या होता है कि आपके फेस पर ना ठंडक भी मिलती है, स्किन में अगर जलन हो रही है तो वो भी ठीक हो जाती है, दाने ठीक हो जाते हैं आपके फेस पर, जितने भी दाने वाने हो या रेडनेस हो गई है, और एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक हो जाती है। तो ये देखिए मैंने बर्फ भी लगा ली है। बर्फ लगाने से क्या होता है कि हमारी फेस पर जितने भी एक्ने पिंपल होते हैं ना वो भी ठीक हो जाते हैं। स्क्रब के बाद अगर त्वचा लाल हो गई है ना, तो वो रेडनेस की प्रॉब्लम भी दूर कर देती है। बर्फ के बहुत सारे फायदे होते हैं, बर्फ के फायदे मैंने अपने चैनल पर बताए हुए हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा, या फिर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी तो वो आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बर्फ के फायदे बताए हुए हैं। गर्मियों में तो खास तौर से बर्फ हमें जरूर लगानी चाहिए। जब भी आप मॉर्निंग फेस वॉश करते हैं ना, तो आप एक आइस क्यूब भी अपने फेस साथ के साथ लगा लीजिए, इससे आपकी स्किन में ठंडक भी बनी रहती है और मेकअप भी ना आपका काफी देर तक टिका रहता है। अगर आप मेकअप से पहले बर्फ लगाते हैं ना, तो मेकअप से पहले बर्फ लगाने से ना आपका मेकअप भी काफी देर तक टिका रहेगा और पसीना जल्दी नहीं आता है गर्मियों में जब हम मेकअप करते हैं। तो ये फायदा होता है आइस क्यूब लगाने का। अब बारी आती है फेस पैक की। फेस पैक हमें कोई हर रोज तो नहीं लगाना होता है, लेकिन अगर आपके पास इतना समय है तो आप DIY फेस पैक हर रोज लगा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो बाजार वाले ये फेस पैक होते हैं ना, मार्केट वाले, तो इसे आप वीक में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। और फेस पैक वैसे भी हर रोज तो कोई भी नहीं लगाता है, इतना समय नहीं होता है। बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं वीक में 2 बार फेस पैक लगाना पसंद करती ही हूं। और DIY फेस पैक होते हैं जिसे आप हर रोज भी लगाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। बट मैं अभी फिलहाल लगाने जा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी का, ये फेस पैक है बीला वीटा का और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका रिव्यू अलग से मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आई बटन पर लिंक दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। तो राइट नाउ मुझे ये वाला जो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है ना, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि इसने मेरे एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम को भी काफी हद तक कम किया है, और सुखाने में, जी हाँ, एक्ने को सुखाने में इसने बहुत बड़ी हेल्प की है। मुल्तानी मिट्टी वैसे भी बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में भी बहुत अच्छी होती है, स्किन में ठंडक देती है और ब्लेमिशेस वगैरह को, डार्क स्पॉट को भी रिमूव करने में हेल्प करती है, स्किन व्हाइटनिंग का काम करती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मुल्तानी मिट्टी के। तो आप चाहे बाजार वाली भी लेकर लगा सकते हैं, या फिर आप घर में पाउडर बनाकर लगा सकते हैं, रेडीमेड मुल्तानी मिट्टी फेस पैक भी आप यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं अपनी त्वचा को थोड़ा सा गीला कर लूंगी अपने फेस को, क्योंकि ये क्ले मास्क टाइप है, ड्राई हो जाता है ना जैसे, तो वैसा है। ये देखिए मेरा फेस पैक लगाने का तरीका, इसमें एक आइस क्यूब छोड़ देते हैं और बस इसी के साथ साथ जब पिघलेगी ना, तो ये पैक भी आसानी से लग जाएगा और साथ ही ठंडक भी मिलती है मुल्तानी मिट्टी से ना, और टैनिंग को भी रिमूव करने में हेल्प करती है। गर्मियों में जैसे आप धूप में जाते हैं बाहर, त्वचा झुलस जाती है, टैनिंग हो जाती है, तो उसमें ही मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छे से काम करती है स्किन पर। तो ये देखिए मैंने मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लिया है, बस 5-7 मिनट में ही सूख जाएगा, अभी तो गर्मियां हैं तो जल्दी सूख जाएगा।
बस 5-10 मिनट आपने इसे लगाकर रखना है, अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद हल्के हाथों से रब करते हुए इसे नॉर्मल पानी की हेल्प से वॉश कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद आपने कोई भी फेस वॉश वगैरह या सोप का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए मेरा पैक जो अच्छे से ड्राई हो गया है, मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। तो ये देखिए मैंने फेस को वॉश कर लिया है। अब मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पर सीरम की। जी हाँ, वैसे तो आपको जो भी सीरम सूट करता हो आपकी स्किन टेक्सचर के हिसाब से, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, तो आपको वो सीरम लगाना चाहिए। अगर आपके फेस पर कोई एक्ने पिंपल वगैरह नहीं है तो आप कोई दूसरा सीरम भी यूज कर सकती हैं। बहुत सारे सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनकी रेटिंग्स और रिव्यूज जानकर और अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आप उन सीरम को परचेज कर लीजिए और लगा लीजिए। मैं लगाती हूँ यहाँ पर हेल्प्स गुडनेस की फेस सीरम है। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, ये हेल्प्स गुडनेस का सीरम। और टी ट्री, एप्पल साइडर विनेगर एंड स्लिस लाइलिक एसिड इसमें है। और एक्ने कंट्रोल सीरम है, फॉर ऑयली स्किन के लिए भी है, एक्ने प्रॉन स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ में आपको ड्रॉपर मिल जाता है। और मैं एक चीज और बता दूं कि धूप में सीरम को कभी भी ना रखें। आपके घर में अगर कहीं धूप आती है तो आपने सीरम वगैरह या स्किन केयर रूटीन की चीजें वहां धूप में नहीं रखनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये सीरम ना बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं है आपकी स्किन में, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। और मतलब बहुत अच्छा सीरम है ये, और चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है सीरम, बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए मैंने सीरम लगा लिया है, ये देखिए। और ये सीरम ना ग्लो भी देता है आपकी स्किन में, आप देख सकते हो बहुत अच्छा ग्लो दिया है। तो ये जो स्किन केयर की चीजें, ये बातें जो मैंने आपको बताई है ना, वो आप मेकअप से पहले तो कर ही सकते हैं, वैसे भी आपको रूटीन में ये चीजें कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, स्क्रब और फेस पैक आपको वीक में 2 बार ही लगाना है। और फेस पैक की मैं अगर बात करूं तो आप DIY फेस पैक डेली में भी लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो आप देख सकते हो स्किन कितनी ज्यादा फ्लॉलेस दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है। मुझे तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, छूने भर से पता चल रहा है स्किन सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है। और ये स्किन केयर रूटीन आप भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी स्किन केयर रूटीन है। स्क्रब भी देखिए आप DIY यूज कर सकते हो, फेस पैक भी आप DIY यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास रेडीमेड स्क्रब वगैरह है तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन जरूर यूज कीजिएगा अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली। और जो भी मैंने प्रोडक्ट इसमें यूज की है उन सभी की परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता। आपके एक लाइक से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ और मेरा और मन करता है कि मैं आपके साथ और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो शेयर करूं, और अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं, और अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोग लेकर आऊं। तो इसलिए प्लीज दोस्तों लाइक कर दिया करें वीडियो को, शेयर इसलिए बोलती हूँ ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर देना, तभी आप आने वाली हर नई वीडियो से नोटिफाई रहेंगे। यदि आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और मौज पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और ज्यादा हेल्पफुल और ज्यादा अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।